आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैदल हक। नाज़रीन, हमारे मुल्क की हज़ारों जेलों में आज भी लाखों कैदी मौजूद हैं। इन कैदियों की दो अकसाम हैं। एक तो ऐसे कैदी जो किसी कोई सज़ा काट रहे हैं, यानी किसी मुकदमे में उन्हें मुजरिम ठहराया गया है और उसके बाद वो अपनी सज़ा काट रहे हैं, और दूसरे ऐसे कैदी हैं जिनके मुकदमे मुल्क के बेशतर अदालतों में ज़ेर समात हैं। लेकिन कैदी होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए। इसीलिए आज का जो मौजू हमने इंतखाब किया है वो है कैदियों के हुकूक, यानी प्रिजनर राइट्स। और आज इस अहम मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है जनाब रियाज अहमद चौधरी साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फिलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुलवामा के अहदे पर फाइज हैं। जज साहब, हम आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। जैसे आप सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हम आज बात करेंगे कैदियों के हुकूक के बारे में, तो कैदी कौन कहलाया जाएगा? जैसा कि मलिक साहब आपने कहा कि हमारे मुल्क में हज़ारों जेलों में जो हैं लाखों की तादाद में कैदी बांधे हैं, तो आपने अब ये सवाल पूछा कि कैदी कौन होता है। अल्लाह ताला की तरफ से सबसे जो चीज़ें पैदा की उनमें से अच्छी मखलूक जो है वो इंसान है, और जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो उसमें इंसान के पैदा होने के बाद उसके कुछ हकूक भी दिए गए। अब उसके हकूक जो थे, उसको कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, उसकी आज़ादी के तई जो थे हकूक थे वो सारे थे। अगर किसी सोसाइटी में एक इंसान जो है वो उन हकूक की पामाली करता है और वो उन जो कानून वहाँ के बनाए गए हैं उन हकूक कानून पे नहीं चलता है, तो उससे वो हकूक छीन लिए जाते हैं, और वो हकूक कानून तरीके से छीने जाते हैं कि ऐसी नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती किसी जगह जेल में डाल दिया जाएगा और उसके हकूक जो है वो छीन लिए जाएंगे। जब उसके हकूक छीन लिए जाते हैं और वो कानून की पामाली करता है और कोई जुर्म करता है जो कि सोसाइटी को या वहाँ का जो इलाका होता है उसको नागवार गुजरते हैं, तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, और वो बंद करना कानूनी तरीके के जरिए होता है। पुराने ज़माने में, आज से तकरीबन 300 साल पहले, जब बादशाह हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे, तो तकरीबन सारे जो भी आदमी कोई जुर्म करता था या कोई गुनाह करता था तो बादशाह उसको जेल में डाल देता था। अब एक आदमी जिसको कानूनी तरीके के जरिए जेल में डाला जाता है उसको कैदी कहा जाता है। कैदियों की आपने पहले कहा कि दो किस्म की अकसाम हैं, एक तो वो हैं जिनको सजा हो चुकी है और एक वो हैं जिनके मुकदमे अभी तक अदालतों में ज़ेरे समात हैं। तो ये कैदी वो जिसकी सजा पूरी हो जाएगी तो उसको तो हम कन्विक्टेड सजा याफ्ता कैदी कहते हैं, और जिसका जो मुकदमा अभी अदालत में है या चाहे रिमांड स्टेज पे है तो उसको अभी हम कैदी नहीं कह सकते हैं, उसको अभी क्योंकि उसके मुकदमे की समाज चल रही है और उसकी अभी सजा जो होनी है या उसके मुकदमे का फैसला होना जो अभी बकाया होता है, लिहाजा वो आदमी जिसको सजा हो चुकी है या किसी कानूनी तरीके के तहत उसको बंद कर दिया गया उसको कैदी कहा जाता है। तो जैसा आप जानना चाहेंगे कि क्या जरूरत पेश आई कि हम कैदियों के हुकूक के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके की दुश्वारियां हैं जो इनका सामना करना पड़ता है? अगर हम अपने मुल्क की पुरानी किताबों का मायना करेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि पुराने ज़माने में जब बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी और जब कोई भी बंदा जो है वो कोई जुर्म करता था या जो बादशाहों के खिलाफ बोलता था तो उसको वहाँ से उठा के एक जगह बंद कर दिया जाता था। उसको बंद करने का सिर्फ ये था कि ताकि वो हुकूमत के खिलाफ या किसी दूसरे कोई जो बात है उस में आवाज़ ना उठा सके, और कई जगह ऐसा भी होता था कि अगर उसने कोई जुर्म किया है, कोई कत्ल कर दिया है, कोई चोरी की है, तो लिहाजा उसको सजा देने के लिए ताकि बाकी वालों के लिए ये एक सबक हो जाए, इसके लिए उनको जेलों में बंद किया जाता था। शुरुआत में जब इन लोगों को जेलों में बंद किया जाता था इनके साथ बहुत मजालम इन पे डाए जाते थे, इनके कोई हकूक नहीं होते थे, इनके साथ हैवानों जैसा किया जाता था, बर्ताव किया सलूक किया जाता था, इनके कोई हकूक वगैरह नहीं होते थे, ना ही जेलों में कोई था कि जेलों में कोई एक ऐसा तरीका कार अमल में लाया जाए जिसमें इन लोगों को अलग अलग रखा जाए। जो भी कैदी जिस किसी किस्म के जुर्म में वो मुलव्वस होता था उनको एक जगह बंद कर दिया जाता था और उनका बिल्कुल बाहर की दुनिया जो थी उनके साथ तल्लुक जो था वो ख़त्म कर दिया जाता था। इसी चीज़ को देखते हुए 1894 में
प्रिजन मैनुअल एक्ट जो है, प्रिजन एक्ट जो है वो लागू हुआ, जिसमें कैदियों के हकूक के बारे में चंद बातें की गई। मगर उस एक्ट में भी ज़्यादातर जो कानून बनाए गए वो थे कि जेल में अगर कोई कैदी जो है वो अगर कोई जुर्म करता है या वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है तो ज़्यादातर चीज़ें उसके बारे में थी। वक्त के साथ साथ सोसाइटी की जदोजहद और जो जो मुल्क ने तरक्की करनी स्टार्ट की और बाकी मुल्कों के साथ हमने जब देखा कि वहाँ पे कैदियों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाता है, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कैदियों के हकूक के बारे में आवाज़ जो है वो बुलंद होना स्टार्ट हुई और फिर वक्त के साथ आज कई कैदियों के ऐसे हकूक बन गए हैं जिन पर अमल करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है। जी, तो जैसा आप सबसे पहले बात करेंगे आइन हिंद की, तो किस तरीके के हकूक हैं जो कैदियों को फराहम किए गए हैं? आइन हिंद में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक इंसान जो है उसके हकूक हैं, आज़ादी के हैं, उसके अपनी ज़िंदगी बसर करने के, उसको एक जगह से दूसरी जगह के हकूक जो हैं वो हमारे मुल्क में कानून ने हमें देके रखे हुए। और अगर कोई भी आदमी उन पे, किसी भी इंसान पे कोई जुल्म जबर करता है या कुछ भी करता है, तो उसको कानून की हमारे हिंद मुल्क के आइन की आर्टिकल 21 ने जो है उसको बिल्कुल उस पर पाबंदी लगा के रखी है। और अगर कोई ऐसा बंदा उस पर करता है तो उसको सज़ा दी जाती है। तो कानून ने हमें बताया कि एक मुल्ज़िम के क्या क्या हकूक हैं, जैसे उसको कानून के सामने बराबर का मौका दिया जाना है कि अगर उसका मुकदमा अदालत में चल रहा है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोर्ट में होनी चाहिए, उसका मुकदमा जो है फास्ट ट्रैक बेसिस पे चलना चाहिए, उसको हैंड कफिंग जो है हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश नहीं करना है, अगर उसको किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया है तो उसके वारिस जो है उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है, और दीगर जैसे उसकी अगर सेहत की कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो जेल में फराहम करनी है, ऐसे ऐसे हकूक जो है वो कानून ने। यानी जैसा जो हकूक बाकी लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए है, वही हकूक कैदियों के लिए भी है, सिवाय इस चीज के कि उन्हें नजरबंद रखा जाता है या कहीं उनकी जो जिस्मानी जो फ्रीडम है, आजादी है, उसे कहीं ना कहीं कैद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक इंसान जैसे एक आम आदमी है जिसने कोई जुर्म नहीं किया है, जैसे जो हकूक कानून ने उसको दिए हुए वो भी वो कैदी को भी वही हकूक मिले हुए हैं, सिर्फ ये है कि कुछ कैदी के कुछ हकूक पे जैसे उसकी फ्री मूवमेंट पे या कोई ऐसा प्रोफेशन करना जो जब वो सज़ा उसको हो जाती है तो उसके बाद उन चीज़ों पे पाबंदी लग जाती है, अदरवाइज उसको कोई ऐसी उसके कोई राइट जो है उनको, ये नहीं है कि उसको एक बार बंद कर दिया और उसको हमने भूल जाना है कि नहीं वो कैदी है या उसको सोसाइटी में कोई स्टेटस नहीं देना है। आज के वक्त में अगर एक बंदा जेल में रहता है और उसके बाद वो वहाँ से अपनी सज़ा जो है, पहले जो निज़ाम था जेलों का निज़ाम जो था उसमें तो किसी को भी सज़ा दी जाती थी, सज़ा देने के बाद ये था कि वो अब दोबारा जो है सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं समझा जाता था, मगर आज जेलों में ये सिस्टम बन चुका हुआ है कि जेलों में जिस आदमी को भी लेके जाया जाता है वहाँ पे उसको रिहैबिलिटेट किया जाता है, उसको वैसे ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग करवाए जाते हैं जिससे ताकि वो सोसाइटी में और अपने जो भी वो काम करना चाहे और जिस तरीके से सोसाइटी में रहना चाहे वो रह सकता है, और किसी भी हालत में उसके हकूक जो हैं वो उससे छीने नहीं जा सकते, चाहे वो ये हमारे अदालत उज़्मा, अदालत आलिया और कई दीगर इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्होंने इस चीज़ को वजह किया है कि एक कैदी के क्या क्या हकूक हैं और किसी भी हालत में जो उनको वापस छीना नहीं जा सकता और वो एक आम आदमी के हकूक जो है उनकी तरीके से ही उनको इस्तेमाल में ला सकता है। जैसा अब बात करेंगे जिस तरीके से कैदी जो हैं जेल में रहते हैं, तो कैसा माहौल होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत को पूरी कोशिश करनी है, बल्कि इस चीज़ को मुतय्यन करना है कि ये चीज़ें उन्हें फराहम हों? अगर हम बात करें इस वक्त जेलों में सबसे ज़्यादा जो परेशानी का बाइस, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है ओवरक्राउडिंग, कि जेलों में लोगों के रखने की जगह कम है। हमारे मुल्क में सर्वे के मुताबिक इस वक्त 1387 जेलें हमारे मुल्क में हैं जिनमें तकरीबन 3.5 लाख कैदियों को बंद करने की कैपेसिटी है, उसके बरक्स हमारे मुल्क में इस वक्त 4.5 लाख कैदी जो हैं वो बंद हैं। उन 4.5 लाख कैदियों में से 2,80,000 कैदी जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अब कैदी तो बढ़ गए, कैदी जुर्म लोगों ने ज़्यादा करने स्टार्ट किए, लोगों को जेल में बंद करना गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से जहाँ पे एक कैदी एक कमरे में जहाँ पे 10 कैदियों को रखा जाना चाहिए था वहाँ पे आज 15 कैदियों को या 20-20 कैदियों को रखा जाता है। उसकी वजह से ना ही वहाँ पे सफाई के कोई इंतजाम रहते हैं, ना ही उनके खाने पीने के कोई इंतजाम अच्छे तरीके से हो जाते हैं, और ना ही बाकी जो सहूलियात उनको मैसर होने होती हैं वो वहाँ पे मिलती हैं। तो ये मेन है कि जेलों में सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण जो इस वक्त सबसे बड़ा है वो है ओवरक्राउडिंग। उसके बाद क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कानून के सामने या अदालतों के सामने उनकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं होती,
उस चीज़ की वजह से भी कई लोग जो हैं छोटे छोटे मुकदमात में मुलव्वस होते हैं, तो उनको जब अदालत की तरफ से ज़मानत मिलती है तो वो लोग अपनी तरफ से ज़मानत में मुचलका पेश करने में नाकाम रहते हैं। जैसे अगर किसी कोई बंदा, अगर हम ले लेते हैं कि दिल्ली का कोई बंदा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसने कोई जुर्म कर लिया, तो यहाँ पर अगर कोई जज उसको ज़मानत देता तो जज साहब वहाँ पर एक शर्त रखते हैं कि यहाँ का लोकल श्योरिटी होना चाहिए। अब चूंकि वो बंदा तो दिल्ली का रहने वाला, उसको यहाँ पे कोई जानने वाला है नहीं है, वो यहाँ पे कोई सैर करने के लिए आया या अपनी गाड़ी लेके किसी काम की वजह से आया था, यहाँ पे उससे कोई जुर्म सरजद हो गया, उस हालत में अदालत ने तो उसको दे दी जमानत, मगर जब तक वो लोकल श्योरिटी का इंतजाम करता उसको कई साल कई महीने लग जाते हैं, वो भी उसके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। उसके अलावा जेलों में देखा होगा कि सफाई सफाई का कोई खास इंतजाम नहीं रहता है, क्योंकि ओवरक्राउडिंग की वजह से कितना सफाई, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया था वो अगर 20 आदमी के लिए रखा गया था तो उसी 20 आदमी की जगह अगर वहाँ पे 50 आदमी वहाँ पे रहना शुरू कर लेंगे तो लिहाजा वो जो इंतज़ाम ऑलरेडी था वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता। जी, लेकिन जैसे आप जानना चाहेंगे कानून की नज़र में किस तरीके की सहूलियात फराहम होनी चाहिए? कानून की नज़र में एक तो उनको सबसे पहले जो कैदी है अगर उसको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है तो उसको लीगल एड की तरफ से वकील दिया जाता है। जैसे मैं इस वक्त सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर जेल की तरफ से मुझे कोई भी लेटर आता है या जब भी किसी कोई कैदी को कोर्ट में पेश किया जाता है और जिसकी तरफ से कोई वकील नहीं है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मुझे कंसर्न कोर्ट जो जहाँ पर उस कैदी को पेश किया गया है वो वहाँ से मुझे एक लेटर लिखेंगे कि हाँ जी ये जो अक्यूज़ है इसका कोई कौंसल नहीं है और ये इस कैपेसिटी में नहीं है कि अपना कौंसल अंगेज कर सकें, तो लिहाजा उसको सबसे पहले लीगल एड की तरफ से एक कौंसल दिया जाता है जो उसे उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है, ताकि उसकी कानून के सामने बराबर जो है रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो सके। दूसरा उसके बाद है कि उसको स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। आपने कई मुकदमात में देखा होगा कि कई मुकदमात ऐसे होते हैं जिनमें गवाह नहीं आते हैं या उसकी मजबूरी, अदालत की मजबूरी ये होती है कि अदालतों में बहुत ज़्यादा काम होता है जिसकी वजह से आप 10 दिन के बाद डे तो नहीं डाली जा सकती, मगर फिर भी अदालतों की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि उनको हर 15 दिन के बाद जो भी अंडर ट्रायल होते हैं उनकी 10 दिन के बाद उसकी उनके मुकदमे में तारीख डाली जाती है, जिससे ताकि उनका मुकदमा जो है जो 2 साल या 4 साल में अगर बाहर ऐसे वो सजा जमानत की होता तब उसका मुकदमा 4 साल या 5 साल चलता, ताकि उसकी कोशिश की जाती है कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर उसको मुकम्मल किया जाए। तीसरा है उसके बाद कि उसको अपने, अगर वो जेल में बंद हो गया है तो कानून की तरफ से ये है कि उसको अपने रिश्तेदारों से मिलने देना है, क्योंकि उसको फिजिकली तो आपने बंद कर दिया है, जब फिजिकली आप बंद करोगे तो उसके बाद अगर आप उसको रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों से या अपने कौंसल से मिलने नहीं दोगे तो वो मेंटली उसकी भी वो प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने उसको फिजिकली कैद करके रखा, लिहाजा मेंटली भी आपने उसको कैद किया, ज़हनी तौर से भी वो कैदी बन जाता है। इसलिए कानून ने बताया है कि अगर कोई कैदी है तो बंद है तो उसको उसके अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने वकील से मिलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। उसके बाद यह है कि अगर कोई बंदा जिसने जुर्म किया है या जो अंडर ट्रायल है तो उसको आप जब भी कोर्ट में पेश करें तो उसको हैंडकफिंग, हथकड़ी लगा के आप जज साहब के सामने पेश नहीं कर सकते। जी, जैसा हथकड़ी का जिक्र आपने किया, तो क्या जेल के अंदर जब ये कैदी हैं इसे बीड़ियों में बांधा रखा जा सकता है या इस पे हथकड़ियाँ बांधी रखी जा सकती है? ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में था, जब राजाओं का की हुकूमत चलती थी तो उस वक्त इन कैदियों को जो है बेड़ियों में बंद करके रखा जाता था या उन पर जुल्म जबर किया जाता था, मगर आज के वक्त में ऐसा नहीं है। आपको जब जेल किसी, जब एक जज के ऑर्डर से एक बंदा जेल में जाता है तो उसको वो पूरे हकूक हासिल होते हैं जो एक आम आदमी को हासिल होते हैं, उसको जज के सामने भी हथकड़ी डाल के नहीं लाया जा सकता है और ना ही वहाँ पे उसको हथकड़ियाँ लगा के जेल में बंद करके रखा जा सकता है। आप एक चीज़ सुना होगा कि अक्सर बोलते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंदे को रखा जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ये मतलब होता था कि पहले किसी ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया तो उसको बिल्कुल अलग थलग करके अलग करके डाल देते थे। बाद में अदालत उज़्मा ने ऐसा फैसला दिया कि जनाब अला किसी बंदे को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखना है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको उसको बाकी वालों से बिल्कुल अलग थलग करके रख देना है, उसको एक ऐसी काल कोठरी में डाल देना है जहाँ पर वो ना कोई बात कर सकता है ना कुछ है। उसको सजा तो पहले हो चुकी है, अगर आप उसको बाकी वाले जो जेल में जो कैदी हैं उनसे आप अलग करके रख दोगे तो वो तो उसके लिए दिमागी परेशानी भी बन जाएगी। जी,
अगर किसी बंदे को सजाए मौत हो जाती है, जी हाँ कानून ये कहता है कि आपको उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने का मतलब यह है कि आपको उसी जेल में जो सेल बना हुआ है जहां जी बाकी वाले रह रहे हैं वहां पे एक अलग कमरा होगा, वहां पे आपने उसको रखना है, कमरे वहां में पे अलग दो रखा गार्ड्स की रहेगा। निगरानी में, या एक गार्ड होगा या दो गार्ड होंगी उनकी निगरानी में आपने रखना है। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल आपने बाकी वाले कैदियों से अलग कर देना है, ना ही उनके साथ कोई टच में आने देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर सर हैंड कफिंग वाली बात तो मैंने आपको पहले बताई, और जेल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। हाँ पुराने जमाने में था कि पुराने जमाने में जेल में जब किसी बंदे को बंद किया जाता था तो जेल में बंद करने का मेन मकसद ही यही हुआ था कि इसको सजा देनी है हमने, जी सर ताकि ये इसने जो जुर्म किया है इसकी सजा इसको यहाँ पे भी मिले, जी बाहर भी सजा मिलती थी और अंदर भी उसको सजा मिली जी मिलती सर थी। लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं है। आज के वक्त में अगर किसी बंदे को जेल में डाला जाता है तो उसको ना हथकड़ी लगा के रखी जाती है, जो पहले था कि सजा देनी है, आज के वक्त में जब किसी बंदे को जेल में डाला जाता है तो उसकी ये अदालतों की या प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन जो जी उनकी ये कोशिश होती है कि इसको सुधारना है, जी सुधार के इसको हमने बाहर निकालना है ताकि मेन स्ट्रीम में दोबारा वापस शामिल हो यानी सके। जैसा पुराने ज़माने में जो कि किसी शख्स को जब मुकैद किया जाता था उसका जो मकसद होता था वो ये होता था कि इसका बदला लिया जाए जो बदला इसने लिया, गलत काम बिल्कुल किया है। बिल्कुल लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की कोशिश की जाती है कि ये शख्स जो है बदल जाए और वापस समाज में जाने के काबिल हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल पुराने ज़माने में जब किसी कैदी को बादशाहों के दौर में या जी उस वक्त जब किसी एक बंदे को कैद में डाल दिया जाता था तो ये सब लोग बाकी वाले जो उसके घर वाले भी होते थे उनको चाहे याद रहे, बाकी तो सब लोग भूल जाते थे कि जी कोई बंदा था जिसको जेल में डाल दिया गया बिल्कुल है। बिल्कुल और जब तक वो अपनी सज़ा पूरी करता या उसका मुकदमा का फैसला होता तब तक वो बंद रहता था, ना ही उसको कोई सुधारने की कोशिश की जी जी जाती थी सर और उसके साथ जुल्म ही किया जाता था और उसको सज़ा ही जेल में दी जाती थी। मगर आज ऐसा नहीं है। जी आज अगर एक बंदा अगर जाए वो अंडर ट्रायल है चाहे उस कन्विक्टेड है, कानून की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि जब उसको बंद किया जाए तो उसको सुधारने की कोशिश की जाए, जी ताकि जब वो कल अपनी सज़ा जो है वो पूरी करके बाहर निकले तो मेन स्ट्रीम में वो जा सके और अपनी चाहे इसका कोई प्रोफेशन, अब क्योंकि जी एक सर बंदा जिसको सज़ा हो चुकी है अब लिहाजा वो गवर्नमेंट जॉब तो कोई कर नहीं सकेगा, मगर बिल्कुल अपना कोई बिजनेस तो वो स्टार्ट कर सकता है, जी अपनी चॉइस का बिजनेस स्टार्ट करेगा। जेलों में आजकल ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जहाँ पे आपको हर वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जाती जी जी है, सर जैसे कि आपको अगर कोई बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि मुझे कपड़े सिलाई करना सीखना है वो जी उसको जी सर करवाया जाता है, कंप्यूटर के रिलेटेड काम करवाए जाते हैं, प्लम्बिंग के रिलेटेड हर छोटे मोटे काम जो है सिखाए जाते हैं, ताकि जब वो जेल से बाहर आए वो एक सुधर के तो एक इंसान बन के जी आए जी और सर ज़्यादा और सोसाइटी अपना में रोजगार भी जो है जो है। कमा सके। जी जी बिल्कुल साहब इसके साथ साथ जानना चाहेंगे क्योंकि हमने बात की कि जो बाकी हुकूक हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से कैदियों को फरहम रहेंगे जिस तरीके से बाकी शहरियों को है, तो तालीम हासिल करने का हक जो है निहायत ही अहम हक है एक इंसान के लिए, तो किस तरीके से एक कैदी जो अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रहा था अपनी तालीम को कंटिन्यू रख सकता है कैद में। हमारे पास कई ऐसे मुकदमात जी होते हैं जिनमें जो मुलजम होता है उस वो स्टडी कर रहा होता है तो उसी दौरान उस पर कोई FIR रजिस्टर बिल्कुल होती है और वो बंदा जेल में चला जाता है। तो कानून में ये रखा गया, ये पॉइंट रखे गए हैं कि अगर कोई बंदा जो है अपनी तालीम को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन देता है कोर्ट में, और हमने कई बार ऐसे खुद ऐसे एप्लीकेशन डिसाइड किए हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है जी मेरा फलाइन डेट को पेपर है, वो अपनी डेट शीट बताता है, हम जी उसको पूरा मौका देते हैं, पुलिस की कस्टडी में वो बंदा जाता है, उसको जेल में पढ़ने का मौका भी दिया जाता है, अलग से कोर्ट ऑर्डर करता है कि इसको सेपरेट जगह जी रखा जी जाए और सर इसको ऐसा माहौल जो है वो फराहम किया जाए जहाँ पे ये आराम से बैठ के पढ़े, और जब उसका पेपर होता है या जो भी कोई एग्जाम होने वाला होता है उस जी डेट पर हम पुलिस वालों को डायरेक्शन देते हैं, जेल वालों को डायरेक्शन देते हैं कि आप इसको आपने जो इसका सेंटर इम्तिहान है वहाँ दिलाने पे के लिए लेके जाएं और पहुंचाएंगे। जाके वो इम्तिहान दे सके। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेल में ही रह के अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो मुकम्मल की है, जी 10th 12th और ग्रेजुएशन तक जो लोग हैं वो पढ़ के आए हैं। यानी जैसा एक चीज़ हमें साफ रखनी चाहिए कि एक कैदी को कोई भी किसी भी तरीके से कानून रोकता नहीं है कि आप अपनी तालीम पूरी ना करें। बिल्कुल कोई नहीं है जी कोई सर ऐसा। जी अब बात करेंगे जैसा खाने पीने की, जी अक्सर देखा जाता है जैसे कि हम भी टेलीविज़न के ज़रिए देखते हैं कि जेलों में जो खाना पीना होता है वो इस लायक नहीं होता कि इंसान उन्हें खा सके या जैसा कि दिखाया गया है, तो जैसा क्या कोई कैदी किसी तरह की कंप्लेन कर सकता है कि जेल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या इस लायक नहीं मिल रहा है जिससे उसकी नशोनुमा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल जो बात आपने कही कि हमने फिल्मों में देखा है कि खाना कैसा होता है, जी हम में भी ये था कि शायद जेल में जो लोग कैद होते हैं उनको जी ऐसा ही खाना दिया जाता है, जी क्योंकि मैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीग सर अथॉरिटी पुलवामा हूँ तो मेरा अक्सर वहाँ पे स्पेशल जेल करेक्शन होम पुलवामा जो जी है जी वहाँ पे सर आना जाना रहता है, तो हमने कई बार जो है वहाँ पे मेस जो है उसकी इंस्पेक्शन की है और जी हमने देखा कि खाना माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा वहाँ पे उन जी कैदियों जी को फराहम सर किया जाता है, और जो खाना बनाया जाता है वो
आपको हर हफ्ते जो है, अगर जो खाना आज बनेगा वो कल नहीं बनेगा, हर रोज वो खाना जो नहीं होता, एक सेम खाना नहीं होता, वो मेन्यू बनता है और वो रिपीट होता रहता है। और हमने खुद कई बार उनके साथ वो जाके खाना टेस्ट भी किया है और वो खाना बहुत अच्छा होता है। हाँ, पुराने जमाने में था और फिल्मों में जो बताया जाता है वो तो आपको पता है रियलिटी नहीं होती, मगर किसी जगह होगा, आगे पीछे के बारे में हम नहीं बोल सकते, मगर जहां तक, जहां जिस जिस जेल में मैं गया हूं, जैसे मैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग में अम्फला जेल में गया हूं, हमने वहां पे भी मैस देखी, और यहां पे पुलवामा में मैंने देखा है खाना जो है कैदियों का बहुत अच्छा है, और खाना जो है वो मटेरियल जो है वो इन्हीं कैदियों को ही जो खाना बनाने वाले होते हैं, अगर इनको पूछा जाए कि अगर आप लोग अपना खाना खुद बनाना चाहते हैं, मैंने पुलवामा में खासकर ये देखा है कि जो वहाँ पे लोग हैं जिनके मुकदमे वहाँ पे चल रहे हैं या जो, तो उन लोगों को खुद ही वो मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और वो खुद ही लोग जो है यानी खाना बनाने के वसाइल दिए जाते हैं, फिर आप खुद अपना खाना बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल जी खुद जी बना। साहब, जी जी साहब, अगली जो चीज़ है वो है इलाज मुआलजा। जी मसलन कोई कैदी बीमार पड़ जाता जी है तो किस तरीके के इलाज मुआलजे की जो ज़रूरियात हैं वो फराहम की जाएंगी? एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में जितने भी कैदी हैं, 70% कैदी जो हैं उनमें से 30% कैदी जो हैं वो उनको दिमागी तोज़न की परेशानी हो चुकी जी हुई है। सर, इसी के रिलेटेड एक पंजाब चंडीगढ़ में एक सर्वे किया गया कि एक शफाखाना में जहाँ पे 500 जो कैदी थे, जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया गया, उन 500 में से 23% कैदी ऐसे थे जिनको मेंटल इलनेस थी। जी सर, अगर कोई भी कैदी अगर किसी भी किसी किस्म की परेशानी में मुलव्वस हो जाता है तो उसके लिए पहले तो वहाँ पे जेल जो है वहाँ पे ही जो मेडिकल ऑफिसर वगैरह होते हैं, तैनात होते हैं, तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करते जी हैं। अगर सर, वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उनको दूसरे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में उनको रेफ़र किया जाता है उनके ट्रीटमेंट के लिए। जी सर, मगर मैक्सिमम केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे कैदियों को ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, वो तो या तो हफ्ते में कभी एक बार जाते हैं या दो बार चले जाते हैं, मगर जहाँ जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल है वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, और जिस बीमारी का इलाज वहाँ पे ना हो सकता हो जी या जो फैसिलिटी उनको बाहर से अवेल करनी हो तो उसके लिए उनको बाहर के स्पेशलाइज हॉस्पिटल में भी रेफ़र किया जा सकता जी है। जी जैसा, अब अगला सवाल ये है कि कस्टोडियल टॉर्चर यानी जो जिस्मानी अज़ियत पहुंचाई जाती है कैदी को, किस हद तक वो कानून के खिलाफ है और उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जा सकती है? कानून, एक बंदा जब जेल में चला जाता है तो जी उसको कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता है, जी जब तक वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस क्या करती है उसके बारे में भी, आज तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना पुलिस किसी को मारती है, और अगर खुदा ना खासा किसी को मारा भी जाता है तो जी जब उसको रिमांड स्टेज पे लाया जाता है तो अगर वो अक्यूज़ जो है वो हमारे सामने ये कंप्लेंट करता है कि जनाब मुझे इन्होंने पुलिस वालों ने कस्टडी में मारा है, तो हम उसी वक्त अगर सपोज कर लेंगे जैसे पुलिस रिमांड पे एक बंदा है, जी अगर उसको वो ये आके हमारे सामने बोलता है कि जनाब मुझे पुलिस वालों ने मारा है, तो हम उससे एक एफिडेविट लेते हैं या उसके देखते हैं कि अगर उसके जिस्म पे निशान लगे हैं या डॉक्टर ने ऐसी रिपोर्ट दी हुई है, जी तो हम पुलिस वाले चाहे बोलते भी रहेंगे कि हमें इसका पुलिस रिमांड दो, तो हम उसका रिमांड नहीं देते, नहीं उसकी देते। कस्टडी चेंज करते हैं, जी जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, जी जी सर, और पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन के लिए लिखते हैं कि हाँ जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जी सर, जहाँ तक रहा कि एक बार अगर एक कैदी जो है उसको जेल में डाल दिया गया है, जी जी सर, जो जब उसका रिमांड जुडिशियल रिमांड पे चला गया या उसको सज़ा हो गई, तो वहाँ पे आज ऐसा कोई मसला नहीं है कि उसको जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से उसको सज़ा दी जाए जी या उसको बंद मारा जाए या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है आज। जी जी सर, हाँ, पुराने ज़माने में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पुराने ज़माने में था कि पुराने ज़माने में सिर्फ जेलों में इसीलिए इंसान को बंद किया जाता था कि उससे बदला लिया जाए, उसको जी कैसे ताकि उसे सुधारने अज़ियत की, जी पहुंचाई जी जाए, अजियत बिल्कुल पहुँचाए, और कोई सुधारने की कोई चीज़ नहीं होती थी, आज ऐसा सिस्टम नहीं है, आज तो जेल में किसी को भी भेजा जाता है वहाँ पर उसको सुधारने के लिए भेजा जी जाता जी है, सर, और मारने की तो बात ही नहीं है। अगर जी कोई जी ऐसा मारता भी है तो उसके खिलाफ जब उसको वो कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट जो है, या जब भी उसको उसका कोर्ट में उसका केस चल रहा होता है उस दिन वो जज, जो मुतलका जज साहब होते हैं उनके सामने शिकायत कर सकता है कि जनाब इन्होंने मुझे मारा है। यानी जब इस कैदी को मुतलका जज साहब के पास पहुंचाया जाएगा वो ये शिकायत कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, फिर जो कंसर्न उनके ऑफिसर होते हैं उन तक हम उनके साथ हम मैटर जो है वो टेकअप करते हैं। जैसा, एक और बात जो हमने की कि बेल हासिल करना या बेल की दरख्वास्त दायर करना हर कैदी का हक है, बिल्कुल उसके बाद जज साहिबान हमारे फैसला करेंगी कि वो बेल का मुस्तहिक है या नहीं। जी लेकिन बेशतर बार ये होता है कि एक कैदी को पता नहीं होता कि वो बेल जो है उसकी दरख्वास्त डाल सकता है, या अगर इसे पता भी हो तो उसके पास वो वसाइल फराहम नहीं होते कि वो बेल की दरख्वास्त डाल सके। तो इस ज़मीन में पूछना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का क्या रोल रहता है कैदियों के साथ? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक जेल है, जी सब्जेक्ट स्पेशल करेक्शनल होम पुलवामा, जी उसमें हम अक्सर महीने में एक दो प्रोग्राम जो हैं, जो वहाँ पे कैदी होते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी बेदारी के लिए प्रोग्राम जी मुनक्कद करते रहते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ उन
उन्हीं कैदियों के लिए होती है और उनके हकूक़ के बारे में उनको बताया जाता है कि आपके क्या क्या हकूक़ हैं। बिल्कुल जैसे हमने पहले बात की कि अगर किसी को कुछ सेहत की कुछ प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड वहाँ पे बताएंगे कि आपके क्या हकूक़ हैं, आप हमें बोल सकते हो कि आप जी डॉक्टर के पास लेके जाओ। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई वकील नहीं है तो लिहाजा लीगल एड में से हम उसको फ्री कौंसल देते हैं, जी जी हम सर उसको बताते हैं कि आपका ये हक है कि आप कौंसल का कौंसल जो है फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, गवर्नमेंट के खर्चे पर आपको जी जी सर कौंसल दिया जाएगा। जी जी सर किसी भी किस्म के जुर्म में अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है और जिसको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है वो हमारे पास इस चीज़ के बारे में लाएगा और जी हम उसका केस जो है वो आगे लेके जाने के जी और उनके सर पूरे हकूक के बारे में उनको बताया जाता है कि आपके क्या क्या हकूक हैं। इसके जी लिए सर हर महीने में एक दो प्रोग्राम जो है वो जेलों में मुनाकिद जेलों किए में जाते मुनाकिद हैं। किए जी जाते हैं। जैसे अब आखिर में हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए इस मौजू के हवाले से आप एक पैगाम दें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक वक्त था कि जब एक किसी बंदे को जब सज़ा होती थी या जब उसने कोई जुर्म किया जाता था तो उसको एक मुकर्रर मुद्दत तक उसको बंद करके रखा जाता था जेल में, ताकि जब तक उसकी सज़ा पूरी हो या जब तक उसका मुकदमा पूरा हो जाता, जी और उस दौरान उस बंदे के बारे में बिल्कुल भूल जाता था कि हाँ ये भी कोई इंसान है या कुछ है। मगर आज ऐसा वक्त नहीं रहा है। आज जो ही एक बंदे को अगर उसको उसके हकूक जो हैं उनके बारे में कोई पामाली की जाती है या उनके हकूक की जी वायलेशन की जाती है वो हमारे पास लेके अपनी एप्लीकेशन देता है। जी आज पहले सिर्फ सज़ा उसको देने के लिए जेलों में बंद किया जाता था, बिल्कुल आज ऐसा नहीं है। आज उसमें बहुत चेंजेस की जाती है बिल्कुल और अगर किसी भी कैदी को अगर कोई भी परेशानी है जेल में वो अपनी शिकायत जो है वो मुतलका अदालतों में पेश कर सकता है। जैसे आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शुक्रिया अहम मौजू पर बेशकीमती जानकारी पहुंचाने के लिए। शुक्रिया तो नाज़रीन हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दूरदर्शन की ये कोशिश आप तक आज के इस मौजू पर आसान जानकारी पहुंचाने में कामयाब रही। और इसी के साथ ही ये बात भी खुशाइंद है कि हमारा कानून और हमारा मुल्क कैदी के सुधार पर फोकस करता है, न कि उसको अजियत पहुँचाने के लिए। इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले हफ्ते हम फिर आपके रूबरू होंगे एक नए माहिरे कानून के सामने एक नया मौजू लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।